प्रिय विद्यार्थी समाशीष, प्रेजेंटेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। और विद्यार्थियों, बीए और बीए बीएड के विद्यार्थी, तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनकी हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल चल रहा है उसके अंतर्गत छोटे छोटे जो साहित्यिक आंदोलन है उनकी वीडियो हम निरंतर नियमित रूप से बना रहे हैं और उनके माध्यम से अध्ययन भी कर रहे हैं, है ना। आज देखते हैं कल की जो वीडियो, पिछले दिन की जो वीडियो थी वो प्रयोगवादी का धारा की वीडियो थी। आज देखेंगे हम नई कविता के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, नई कविता क्या है हिंदी साहित्य में, इसके बारे में हम देखते हैं। नई कविता सन 1954 में दो व्यक्ति आए, डॉक्टर जगदीश गुप्त यानी डॉक्टर जगदीश गुप्त, ठीक है ना। दूसरे विद्वान का नाम था डॉक्टर रामसर्व चतुर्वेदी, डॉक्टर राम सरू चतुर्वेदी। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सन 1954 में नई कविता नाम से एक पत्रिका निकाली जो अर्धवार्षिक थी। क्या थी? अर्धवार्षिक। यानी डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर रामसर्व चतुर्वेदी 1954 में दोनों व्यक्तियों ने नई कविता नाम से एक साहित्यिक पत्रिका निकाली, है ना, जो अर्धवार्षिक थी, साल में दो बार जिसका प्रकाशन हुआ, छपती थी, ठीक है ना। उसमें उस कविता, उस पत्रिका में नई कविता जो काव्य धारा है उसे सूत्रपात होता है। नई कविता जो काव्य धारा है उसे सूत्रपात होता है 1954 में, हमें यह ध्यान रखना है। आगे तो जब भी प्रयोगवादी का धारा में नई कविता का सूत्रपात हो चुका था, या दूसरे शतक के प्रकाशन के समय नई कविता के बारे में लोगों के मन में विचारधारा उत्पन्न होने लगी, एक नई शैली की कविता। क्यों? क्योंकि दूसरे शतक आते आते कुछ कवियों के मन में ये बात उत्पन्न हुई कि हम जीवन से सरोकार रखने वाली बातों को और जीवन संघर्ष करने वाली बातों से मुक्त होकर कविता नहीं लिख सकते, वो कोई कविता नहीं होती। यानी कविता को बंधन में नहीं रखा जा सकता, कविता आजादी का विषय है, स्वतंत्रता का विषय है। और समाज में फैली जितनी भी व्याप्त विसंगतियां हैं, संघर्ष है, दुख है, है ना, संकट है, इन सबको लेकर हमें कविता में चलना चाहिए ताकि समाज को नए रूप से जागृत किया जा सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी बीच एक लक्ष्मीकांत वर्मा नाम के विद्वान आए, लक्ष्मीकांत वर्मा, इन्होंने एक पुस्तक, एक कृति लिखी थी नई कविता की प्रतिमा। नई कविता के प्रतिमा ये पुस्तक इन्होंने लिखी, नई कविता के प्रतिमा। ये ध्यान रखना है कि नई कविता के प्रतिमा नामक पुस्तक किसने लिखी? लक्ष्मीकांत वर्मा ने, ठीक है ना। अब एक दूसरे विद्वान हुए थे डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर
नाम हुआ सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। अब इन्होंने लिखा कवि का के नए प्रतिमा, कविता के नए प्रतिमा। ये कई बार इन दोनों पुस्तकों में, इन दोनों कृतियों में हम भ्रम में पड़ जाते हैं। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर रामदास सिंह, इनके द्वारा लिखे गए। तो इन पुस्तकों में, इन कृतियों में नई कविता की जो धारा है, नई कविता है, उसके वैचारिक संदर्भ दिए गए और मानव पंखाओं से, वर्तनाओं से अपने आप को मुक्त करके उन्होंने जो काव्य प्रवृत्ति अपनाई, इन दोनों महापुरुषों ने अपने अपने कृतियों में बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया बताया। अब दूसरा सप्ताह के प्रकाशन के आते आते हिंदी कवि को लगने लगा कि प्रयोगवाद एक स्वस्थ प्रतिनिधि का प्रवृत्ति नहीं है, प्रयोगवाद एक स्वस्थ प्रतिनिधि का प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि वे मानव कुंठाओं और वर्तनाओं से अपने आप को मुक्त नहीं करती। यानी मानव की कुंठाओं और वर्तनाओं से को लेकर ही चलना का प्रवृत्ति है। इसलिए कवि प्रतिभाशाली जो कवि है इससे मुक्त होने को जब बता रहे थे, उन्होंने नई कविता नाम की एक नई कार्यधारा को जन्म दिया। सुमिता नंदन पंत, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने आलोचनात्मक लेखों में नई कविता को नाम स्वीकार किया। अपनी अपने लेखों में नई कविता नाम को स्वीकार किया और डॉक्टर नामवर सिंह ने कविता का नई प्रतिमा लिखकर नई कविता की अवधारणा पर अपनी स्थापनाएं दी। तो प्रिय विद्यार्थियों, नई कविता निषेध की कविता नहीं होकर जीवन के प्रति आस्था की कविता है। तो नई कविता निषेध की कविता ने होकर जीवन के प्रति, जीवन के प्रति आस्था की कविता है, आस्था की कविता है। नई कविता निषेध की कविता ने होकर जीवन के प्रति आस्था की कविता है। नई कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन के प्रति आस्था, जीवन के जो विषय है, जीवन की जो विषय नीति है, जीवन जीने की जो कला है, शैली है, जीवन के जो संकट है, दुख है, उनको लेकर लिखे जाने वाले, उनको चिंता में जागृति पैदा करने वाले को नई धारा है, ठीक है ना। अब जीवन के सारे विद्रूपताओं तथा विषमताओं के बावजूद जीवन में उल्लास तथा आशा की खोज ही नई कविता का मूल स्वर है। जीवन में आशा और उल्लास भी होना बहुत जरूरी है, विषमता विद्रूपताओं के बावजूद, यही नई कविता का विषय है। और नई कविता क्षण को महत्व देती है, नई कविता प्रत्येक क्षण का महत्व बताते हैं, प्रत्येक जीवन का प्रत्येक क्षण का महत्व होता है और क्षण के अनुभूति जीवन के निरंतरता की श्रृंखला को संपूर्ण तक जोड़े रखने का प्रयास करती है। नई कविता जीवन को अनुभूति में क्षणों पकड़ती है तथा यह अनुभूति कवि को उसके परिवेश से मिलती है। नई कविता अपना जीवन दर्शक परिवेश को जीवन शब्द से ग्रहण करती है। यानी अनुभूति, अनुभूति कहां से मिलती है? जीवन से। अनुभूति ये जीवन से मिलती है, अनुभूति जीवन से मिलती है, ठीक है ना। और जब जीवन से मिलती है तो प्रत्येक क्षण का महत्व समझने लगती है। ये भी नई कविता की अवधारणा है। नई
जो तिरस्कृत करती है, समाज से बहिष्कृत करती है, जो अभाव में जीते हैं, दुखों में जीते हैं, निर्धनता में जीते हैं, उनको चित्रण करने का कार्य करते हैं नई कविता। और नई कविता के दृष्टिकोण को लघु मानववाद नाम दिया कि जो लघु मानव है, जो छोटे मानव है, जो जीवन के जिजीविषा में जीते हैं, जीवन से संघर्ष करते हैं, जीवन के अभिलाषाओं को पाने के लिए कार्य करते हैं, जो समाज के चमत्कृत समाज से दूर है, ऐसे छोटे मानव को लघु मानव कहा जाता है। लघु मानव का चित्रण करने वाले जो कविता है वो नई कविता है। ठीक है ना मित्रों, और आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि नई कविता लघु मानव के लघुता हीनता का चित्रण कर उसे उपेक्षित समाज के उसके भाव के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट करके समाज में उसे सम्मानजनक स्थान दिया जाता है। समाज में उसे सम्मानजनक स्थान दिया जाता है। और नई कविता ने साधारण मनुष्य की पीड़ा को विशिष्ट प्रदान किया है, मनुष्य को व्यापकता प्रदान किया है, जो साधारण मनुष्य जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता उनके जीवन को समाज में सम्मान दिया गया है। ये नई कविता है। नई कविता की कथ्य परिधि में जीवन और जगत के सभी विषय आते हैं। वे मानव उनका और वर्णनों की कविता ने होकर मानव के व्यापक संसार की कविता है और उसकी दृष्टि से एक पिंड से लेकर आकाश का गहन विस्तार तक का जो क्षेत्र है वो नई कविता का क्षेत्र है। तो प्यारे मित्रों, कह सकते हैं कि जो सारे व्यापक दृष्टिकोण है सबके पिंड से लेकर आसमान का विस्तार तक जो सबके बीच में केंद्र बिंदु है वो है मनुष्य। तो मनुष्य के इर्द गिर्द जो भाव है वो नई कविता लेकर आती है। नई कविता अनुभूति की सच्चाई को अमूल्य मानती है। नई कविता अनुभूति की सच्चाई को अमूल्य मानती है क्योंकि अनुभूति जब व्यक्ति करता है तो उस समाज को देखकर ही, कुछ अव्यवस्थाओं को विसंगतियों को देखकर व्यक्ति अनुभूति करता है। उन अनुभूति से जो सच्ची प्रेरणा निकलती है, जो लोगों को जागृत करे, समाज में सम्मानित करे, ऐसी भावधारा को, ऐसी काव्यधारा को नई कविता कैसे कहा जाता है। और कहते हैं अनुभूति चाहे एक क्षण की हो, चाहे समुचे युग की हो, चाहे एक सामान्य मनुष्य की हो या किसी महापुरुष की हो, आशा की हो या निराशा की हो, व्यक्ति हो या समाज हो, नई कविता के लिए सभी श्रेष्ठ है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब नई कविता किसी में भेद उत्पन्न नहीं करती। नई कविता का विषय जो है वो बहुत ही व्यापक है, विस्तृत है। और कवि अपनी तथा पारायण अनुभूति का आत्मसात कर सार्वजनिक बनाता है, इसलिए कवि का युग बोध होना बहुत जरूरी है, गंभीर होना। कवि को क्या होना चाहिए? युग बोध। कवि को युग बोध होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए, समय के प्रति उसे गंभीर भी होना चाहिए, है ना, और युग बोध भी होना चाहिए उसे। ठीक है। नई कविता भावना की अपेक्षा बुद्धि को अधिक देखिए। प्रयोगवादी कविता में भी बौद्धिकता को ग्रहण किया गया था, उसमें बुद्धि बल पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, लेकिन नई कविता जो नई कविता होती है, नई कविता बौद्धिकता पर बौद्धिकता पर अधिक बल देती है। बौद्धिकता पर नई जो कविता है बौद्धिकता पर अधिक बल देती है कि कविता में बौद्धिकता का होना स्वभाव होना बहुत जरूरी है। सरसता, आलंकारिकता, छंदबद्धता केवल कविता को विशिष्ट मात्र बनाना वो कविता नहीं होती। कविता में जब तक समाज के प्रति बौद्धिक दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक वो कविता नहीं मानी जाती। इस तरह की भावना नहीं कविता के प्रति कवि करते हैं, यानी बौद्धिकता प्रयोगवादी बौद्धिकता करें, क्योंकि प्रयोगवादी ने भी बौद्धिकता थी, लेकिन प्रयोगवादी की जो बौद्धिकता थी वो नीरस थी, वाकचाल थी, है ना। लेकिन यहाँ की जो नई कविता की जो बौद्धिकता है वो यथार्थ को अनुभूति के स्तर पर महसूस करने की बौद्धिकता है कि यथार्थ जीवन में वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है,
यथार्थ धरातल पर जो अनुभूति प्रदान करने वाला भूत दिखता है वो नई कविता की भूत दिखता है, तो वही भूत दिखता होनी चाहिए। और नई कविता का कवि जीवन के यथार्थ अनुभूति के स्तर पर महसूस करता है तो बुद्धि के स्तर पर उसे संगति देकर व्यक्त करता है। संवेदनाएं ज्ञानात्मक भी होती है तथा अपने जीवन के प्रति यथार्थ से जुड़ी होती है। संवेदना क्या होती है? संवेदनाएं ज्ञानात्मक भी होती है। ठीक है मित्रों, इतना ही हम बात पढ़ेंगे, उसके बाद नमस्कार।